हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम फर्स्ट ईयर का ये पुराना पेपर सॉल्व करते हैं जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। इस पेपर में आए हुए भी हर एक टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपने अभी तक के सारे वीडियोस देख रखे हैं तो ये पेपर भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू। इन चार में से किसी भी दो का फ्री हैंड स्केच बनाना है। मैं आपको चारों के फ्री हैंड बता रहा हूँ, इनके पूरे साइज के साथ मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो बना रखे हैं। फर्स्ट का ए, सिंपल रिविट। सिंपल रिविट इसके अंदर हम बनाएंगे स्नैप हेड रिविट। रिविट का वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी साइज के साथ बता रखा है। अभी हम बनाएंगे इसको फ्री हैंड। स्नैप हेड रिविट होता है ये वाला, इसमें नीचे की साइड ये सिंबल आएगा जिसका मतलब होता है ये पार्ट आगे तक है। इसके बाद इसका नाम, लिखने के सारे काम आपको पढ़ने हैं बिल्कुल बराबर हाइट में, यानी ऊपर और नीचे लाइट लाइन खींचना और उसके अंदर लिखना है। यह आप 5 mm की हाइट में लिख सकते हैं स्नैप हेड रिविट। सेकंड क्वेश्चन है बोल्ट। बोल्ट भी हमने पूरी साइज के साथ वीडियो बना रखा है। चलिए अब हेक्सागोनल बोल्ट के व्यू बनाना सीखते हैं, वो भी 20 mm के डाया के लिए। सबसे पहले एक लाइट लाइन खींचना जिसे हम सेंटर की तरह यूज़ करेंगे। 20 mm की भुजा का है तो प्रकार में 20 mm खोलेंगे और एक लाइट सर्कल बनाएंगे। एक वर्टिकल लाइन खींचकर सेंटर से गुजारते, इसके दोनों कोनों से दोनों कट लगाकर और फिर हेक्सागोन बनाना। इसके बाद इन सारे पॉइंट को डार्क पेंसिल से मिलाकर और ये हेक्सागोन बन जाएगा। फिर इस षटभुज को अंदर से स्पर्श करते हुए सेंटर से एक वृत्त बनाना है। प्रकार को इतना खोलना कि ये भुजा को अंदर से सारी भुजाओं को टच करे। ये भी डार्क होगा। इसके बाद इसके प्रोजेक्शन लेना बिल्कुल लाइट। फिर एक जगह बोल्ट के हेड की हाइट के लिए पॉइंट लगाना है। हेक्सागोनल बोल्ट के हेड की हाइट 0.8D से D तक होती है। हम 0.8D मान लेते हैं, तो इससे इसकी हाइट आएगी 16 mm। बोल्ट की बाकी ये बॉडी की लेंथ 5D से 8D तक होती है। हम इसको 5D मानकर बनाते हैं, बराबर 100 mm। चलिए हेड पर चैम्फर से स्टार्ट करते हैं। इस साइड हेड के तीन फेस दिखेंगे और उसके लिए चैम्फर की साइज आपको पहले भी बताई थी, 1.5D यानी 30 mm का प्रकार खोलकर इसके बेस लाइन को स्पर्श करें, ऐसी जगह पर प्रकार रखकर और इतना चाप काटेंगे। इसके बाद डार्क पेंसिल से ही फ्री हैंड दोनों साइड इस तरह से आर्क बनाएंगे और हेड को डार्क पेंसिल से इस तरह मिला देंगे। इसकी हाइट हमने 0.8D लिए। बॉडी लेंथ 5D 100 mm। इसका एंड इस तरह से करते हैं, दोनों कोनों पर 45 डिग्री का एंगल। बोल्ट में थ्रेडेड पार्ट की लेंथ होती है 2D से 3D तक, 2D मानकर बनाते हैं। 2D बराबर 40 mm। ED में थ्रेड को इस तरह दर्शाया जाता है लाइट लाइन से, इस तरह समांतर लाइन, ये थ्रेड लाइन होती है। उसके बाद डायमेंशन देते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन सी, आपको कोई भी दो बनाने थे पर हम चारों बनाते हैं। इसमें आएगा प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, आधार में कोई आकृति और ऊंचाई में वो उसी आकृति से जाकर मिले तो उसको बोलते हैं प्रिज्म। यानी आधार में हम अगर त्रिभुज लेंगे और वो ऊंचाई में भी एक त्रिभुज से मिले तो ये होता है प्रिज्म। इसमें जो छुपी हुई भुजा होती है उसको हिडन लाइन से बनाते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। अगर इसी की जगह पिरामिड का क्वेश्चन आता, जैसे ये त्रिभुज है, अगर पिरामिड का क्वेश्चन हुआ तो आप ऊंचाई पे कहीं भी एक पॉइंट बनाएंगे इसके सेंटर में और उसको सीधे इससे मिला देंगे और दिखने वाले पार्ट को डार्क और छुपे हुए को हिडन। वैसे ये सब साइज से होता है लेकिन इसमें फ्री एंड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए डी, इलिप्स। इलिप्स को भी अगर फ्री हैंड बनाना है तो इलिप्स होता है एक अंडाकार शेप,
ये आकृति, इसको बोलते हैं एलिप्स। इसको आप इसी तरह से बनाइए फ्री हैंड में, और यहाँ पर एक सेंटर लाइन और यहाँ एक सेंटर लाइन बना दो। ये होता है मेजर एक्सिस, बराबर साइज में लिखना है यहाँ पर, और इस छोटे वाले को बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। इन चार लाइन में से कोई भी दो लाइन बनानी है। आंसर नंबर डालना मत भूलना, गलती यही होती है कि डायग्राम बना देते हैं और आंसर नंबर डालना भूल जाते हैं। देखिए मैं चारों बताता हूँ। फर्स्ट हिडन लाइन, यहाँ पे आपको लिखना भी है और इसके सामने बनानी है हिडन लाइन डैश डैश, बराबर साइज के डैश डैश, इसी को बोलते हैं हिडन लाइन, यानी छुपी हुई आकृतियों को दिखाने के लिए जो काम आती है। सेकंड सेंटर लाइन, सेंटर लाइन कौन सी होती है, जिसमें एक लाइन होगी बड़ी, एक डैश बड़ा होता है और फिर एक डैश छोटा होता है, इस तरह एक बड़ा डैश छोटा डैश, ये होती है सेंटर लाइन। इसका अनुपात होता है 1:5, यानी इसकी साइज 1 तो इसकी साइज 5। कंस्ट्रक्शन लाइन एक सिंपल सीधी लाइन होती है जो कि लाइट होती है, लाइट पेंसिल से बनती है, इसको आप लाइट पेंसिल से बनाना। एक्सटेंशन लाइन होता है किसी भी पार्ट को साइज देते टाइम पर जब उसकी साइज को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे ये कोई पार्ट है इसकी अपन को लंबाई दर्शानी है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर बीच में तो एरो बनाते नहीं है हमेशा, क्या करते हैं इसकी साइज को इस तरह से नीचे लेते हैं और फिर इसमें बनाते हैं एरो। तो ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ये तो आप इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये है एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो। देखिए ये डायग्राम दे रखा है, इसमें फ्रंट व्यू दे रखा है इस साइड से लेफ्ट साइड, और बनाना है फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में जब बनाते हैं तो काम बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और जिस साइड दे रखा है उसके उल्टी साइड, तो इसमें लेफ्ट साइड दे रखा है तो लाइन के ऊपर बनेगा और राइट साइड पे फ्रंट बनेगा। अब देखिए डायग्राम फ्रंट व्यू से क्या क्या दिखेगा, जब हम इस साइड से देखेंगे इसको तो इसमें ये एल पार्ट दिखेगा, केवल ये दीवार, और इसके इस कोने से इस कोने तक मिलने वाली ये टेपर दीवार जिसमें ये त्रिभुज टाइप का पार्ट दिख रहा है बस, तो इसका ये एल और ये पार्ट बनेगा फ्रंट वाली साइड से। टोटल चौड़ाई देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 78, और टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई है ये 12 प्लस 30, यहाँ से यहाँ तक की 12, और यहाँ से ये राउंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक की सीधी दूरी तो है 30, इसके बाद में तो राउंड है, और राउंड की यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ये एक प्रकार से बना हुआ है, तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है 21। अब 48 में कंफ्यूज नहीं हुए, 48 क्या है, 48 है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो इस टेपर पार्ट के यहाँ तक टच होने की ऊंचाई है, और अगर इसकी ऊंचाई को देखोगे तो 12 प्लस 30 प्लस 21 यानी कितना हो गया 63, तो हम इसे बनाते हैं 78 चौड़ाई और 63 ऊंचाई का एल, जो कि 12-12 चौड़ाई का है। 78 और 63 डार्क पेंसिल से लाइन बनाना। इसके बाद इससे 12 mm ऊंचाई और इस साइड से भी 12 mm। एल बन गया बिल्कुल सही, इसे डार्क कर दो। लाइट पेंसिल के लिए मैंने पेंसिल और डार्क के लिए पेन का यूज़ करा है, लेकिन आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आप अलग अलग तरह के पेंसिल्स का यूज़ करेंगे और डार्क और लाइट पेंसिल को अलग अलग दिखाने का ट्राई करना। इसके बाद देखो फ्रंट में और क्या, यहाँ पर ये टेपर में कट है जो 12 अंदर है, जब इस साइड से हम देखेंगे तो यहाँ से 12 अंदर पे इस दीवार की केवल ये एक लाइन दिखेगी क्योंकि ये टेपर है, लेकिन अगर हम सामने से देखेंगे तो दीवार तो सीधी दिखेगी पर बीच में एक लाइन तो आएगी, तो यहाँ से 12 अंदर करके और एक सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद इसके इस 78 वाले लास्ट कोने से ये टेपर कहाँ जा के मिल रहा है, इस कोने से 48 ऊँचाई पर, तो यहाँ से 48 ऊँचाई पर हम इसे डायरेक्ट मिला देंगे। सबसे पहले यहाँ से 12 अंदर, ये एक सीधी दीवार हो गई, 48 ऊपर पॉइंट लगाएंगे और इसे डायरेक्ट टेपर में इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट है, फ्रंट में इतना ही दिख रहा है। प्रोजेक्शन लेते हैं साइड व्यू के लिए।
देखिए साइड व्यू में क्या दिखेगा, यहाँ से ये दीवार सीधी, जो टोटल कितनी चौड़ाई की होगी 18 की, तो ये है, इसके बाद 12 इस साइड और 12 इस साइड टेपर में, ये टोटल हो जाएगा 42, यानी 4200 टोटल चौड़ाई है। और ये चीज़ यहाँ से भी पता चल रही है, इसका यहाँ से यहाँ तक का ये जो राउंड बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है 21, तो सेंटर से 21 इधर और 21 इधर, तो ये 42 हो गई टोटल चौड़ाई। इसके बाद ये 12 ऊंचाई और ये टेपर दिखेगा, ये दीवार दिखेगी, ये टेपर दिखेगा और इसका ये वाला फेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दीवार की चौड़ाई, ऊंचाई तो इस साइड से आ रही है और चौड़ाई कितनी थी 42, और उस 42 के अंदर भी इस साइड से 12 का और इस साइड से भी 12 का कट। इसके बाद जो टेपर है उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई कितनी है 12 और उसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 48 पे टच हो रहा था ना, ये लाइन आ रही है। सबसे पहले इस 42 का सेंटर लेंगे जो 21 पे आएगा, और इससे 6 mm इस साइड और 6 mm इस साइड, सेंटर से जब दोनों साइड 6 mm करेंगे तो बीच में 12 mm की चौड़ाई आ जाएगी। और इस तरह से टेपर वाला पार्ट बन जाएगा 48 ऊंचाई और 12 चौड़ाई का। अब देखिए यहाँ पर बन हमें राउंड बनाना है इस साइड से, इतनी दीवार तो 30 ऊंचाई तक तो सीधी आएगी और उसके बाद राउंड है। राउंड कैसे लेंगे हम, यहाँ से 30 ऊंचाई तक सीधी दीवार है और जब इस चौड़ाई का हम सेंटर लेंगे उस सेंटर से प्रकार से 21 खोलकर और ये राउंड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर से एक लाइट लाइन ऊपर तक खींचते हैं जिस पर हम 30 mm ऊपर मार्क करते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रकार खोलना है 21 का और हाफ राउंड बनाना, यहाँ से 30 mm ऊपर ये सीधा डार्क मिलेगा। इसके बाद इस राउंड को भी आपको डार्क पेंसिल से बनाना है। इस तरह साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब हमें फ्रंट के और साइड के प्रोजेक्शन लेकर टॉप बनाना है। टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट के नीचे, तो वहाँ तक प्रोजेक्शन लेके जाइए। अब देखिए टॉप व्यू, जैसा कि आपको पता है हम हर बार टॉप व्यू को तो प्रोजेक्शन से ही बना देते हैं, तो टॉप में देखिए क्या क्या दिख रहा है। ऊपर की ये दीवार जो कितने की 42 चौड़ाई की और 12 चौड़ाई की। इसके बाद ये टेपर वाला पार्ट, ये भी ऊपर से दिखेगा और इस साइड की और इस साइड की ज़मीन दिखेगी। अब हम इसे प्रोजेक्शन से बनाते हैं। देखिए फ्रंट व्यू में जो ऊपर की वाली ये दीवार थी राउंड वाली, यहाँ से यहाँ तक की थी, और साइड व्यू में कहाँ से कहाँ तक दिख रही थी, ये रही 42 लंबाई और 12 चौड़ाई, ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इसका प्रोजेक्शन ये रहा और इसका प्रोजेक्शन ये रहा। देखिए टॉप से जो राउंड दिख रहा था वो ये बन चुका है। फ्रंट व्यू में टेपर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसका प्रोजेक्शन ये रहा पूरा। और साइड व्यू में टेपर कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला, ये बीच वाला प्रोजेक्शन, तो इसे डार्क कर देते हैं। यहाँ तक की चौड़ाई, ये बन चुका है। इसके बाद देखिए ये नीचे वाली ज़मीन बनानी है, ये है इस साइड से 18 चौड़ाई की, इसके बाद 12-12 का कट है दोनों साइड, इस साइड से अंदर 12 और इधर से भी अंदर 12। ये हमारे पास पूरा बॉक्स बन ही चुका है, इसे 12 इस साइड और 12 इस साइड, जिसके भी हमारे पास प्रोजेक्शन है, और ये 18 हो जाएगा जब यहाँ से 12 अंदर और यहाँ से 12 अंदर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसे डायरेक्ट मिला ली, ये बन चुका है इसका टॉप व्यू। व्यू कंप्लीट है लेकिन शीट अभी अधूरी है। ये देखिए डायमेंशन इस तरह से देनी अलाइन सिस्टम में, एलिवेशन साइड प्लान और ओल्ड डायमेंशन आर एन 5 mm की हाइट में लिखना है, और यहाँ पर सिंबल आएगा फर्स्ट एंगल का। इन सब के साइज़ें और सब चीज़ों के स्पेशल वीडियो पहले से बनाए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।